इमरान रियाज खान को आप जानते नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाता कि इमरान रियाज खान को तुम एक आम सा आदमी समझ रहे हो, उसको तुम जितना तंग करोगे वो उतना लोहे से भी ज्यादा टाइटेनियम में कन्वर्ट कर रहे हो। कौन लोग हैं ये, किस तरह के लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं? अकल के नाखून लो, समझदारी का सबूत दो, फॉर अ चेंज। वो कि समझदारी का तुम्हारे साथ बहुत कम अमल दखल है, तो अब भी वक्त है ये जो खराबी कर चुके हो इसको अनडू करो। जो वतन अजीज में जो कुछ हो रहा है उस बिना पे बहुत दुखी फील कर रहा हूँ। और इमरान रियाज, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक है, लेकिन ये कम कम पता है लोगों को कि वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से ही एक नहीं है, वो मेरा बाकायदा छोटा भाई है। वो इस तरह का छोटा भाई है कि जिसे मैं छोटे के तौर पे कहता हूँ तो मेरे हुक्म की तामील करता है वो। अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उसे सलामत रखे। और वो एक बहुत पुरजोश आदमी है, बहुत जोशीला आदमी है। मैं बल्कि बाज़ोकात उसे कहा करता हूँ कि अपना एक सेल निकाल के रखा करो, तुम ओवरचार्ज्ड होते हो। इस जैसे प्योर लोगों की एक तरह से ट्रेजेडी भी ये है कि ये जब मोहब्बत करने पे आते हैं ना तो टूट कर पागलों की तरह करते हैं। तो उसे इमरान के साथ मोहब्बत भी है, लेकिन याद रखिए उसे इम्पोर्टेड से नफरत भी है। और वो इसलिए नहीं करता नफरत के ये इम्पोर्टेड हैं, इसलिए करता है कि इन्होंने नकबजनी की थी। ये जिस रूट को एडॉप्ट करके आए थे, हर एक उससे दुखी है, पशेमान है, नादिम है। मैं तो बरूने मुल्क आके बाज़ोकात दिल चाहता है कि चेहरा छुपा लिया जाए, इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये जिन हैंडलर्स का जिक्र हमेशा इमरान रियाज खान किया करता है, मैं उनकी खिदमत में हमेशा ही गुजारिश करता रहा हूं कि यार अगर आपको इमरान से इतनी चिढ़ थी ना, अगर हमारे बरूनी मालकों ने अल्टीमेटम दे ही दिया था तो ठीक है, इमरान को निकाल लेते। इमरान 3 साल बाद, साल बाद, 2 साल बाद फिर आ जाता अगर उसने आना होता। लेकिन ये जो कुछ आपने हमारे सिरों पे थोप दिया है, इससे तो यकीन करें वो भी बहुत शर्मिंदा होगा जिसने इमरान को निकलवाया है। ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं? और देखें, ये जो इस वक्त की जो रूलिंग इलीट है पाकिस्तान में, जिसमें सब शामिल है, जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो गधा गाड़ी है उसकी बागें उनके हाथ में हैं और वो उसको चैरियट की तरह भगाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मैं उनसे पहले ये कहा करता था कि तुमने इमरान खान के लिए इतनी मेहरबानी की है कि मैं समझता हूँ कि इमरान के वालिद के बाद अगर उसे किसी और का एहसानमंद होना चाहिए तो वो तुम लोगों के एक मरी हुई पीटीआई में तुमने फिर से जान डाल दी। वो इमरान जिसका अप्रूवल रेट 10% से भी नीचे आ चुका था, वो 80s को क्रॉस कर गया है। पूरी दुनिया में लोग उससे मोहब्बत करते थे, अब उसको वापस लाना अपनी जिद समझते हैं। ये वोट के हवाले से इतने अहम नहीं होंगे, आपने वोट की राहें मसदूद कर दी हैं, लेकिन याद रखिएगा इनकी भेजी हुई रिमिटेंस बहुत सौ की तनख्वाह बनती है, ये बात भूलने वाली नहीं है। सर, जैसे आप खुद भी मेंशन करते हैं और मैं खुद इसकी विटनेस हूँ, देखती हूँ कि जो जो हर्डल्स इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है वो उनके हक में ही गई हैं। देखो, और ये आखिरी इनके ताबूत में आखिरी कील, और इमरान के लिए, इमरान खान के लिए जो बेस्ट बात है वो ये कि ये लाशौरी तौर पे इमरान को लात तादाद जानशीन मुहैया कर रहे हैं। इमरान रियाज खान इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अमंगस्ट सो मैनी अदर सक्सेसर्स, अदर कॉमरेड्स, क्लोजेस्ट कॉमरेड्स ऑफ इमरान खान। तो इसी तरह के 5-7 और इमरान रियाज पैदा हो जाएंगे। मैं अब भी कहता हूं, अकल के नाखून लो, समझदारी का सबूत दो, फॉर अ चेंज। वो कि समझदारी का तुम्हारे साथ बहुत कम अमल दखल है, तो अब भी वक्त है ये जो खराबी कर चुके हो इसको अनडू करो, वरना ये वो
नखनों की लगाई होती हैं जो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। हमें ऊपर जाना है क्योंकि वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे सेफ नहीं है वो जगह, वो कह रहे हैं कि इसको यहाँ से वैक्यूएट करें। अच्छा जी, अब हम साथ लाइव कह रहे थे। अच्छा, ये इतने क्राउड में हम आगे, मेरे ख्याल उन्होंने डॉक करनी है यहाँ। हाँ, डॉक करने लगे। आई थिंक अच्छा जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो मुश्किलात आज इन्होंने क्रिएट कर दी हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के लिए बहुत की हैं, अगर ये समझें तो अपने लिए दो गुना ज्यादा। ये सारे गड़े जो किसी के लिए खोदे चले जा रहे हैं, उस खुद बार बार धड़ाम से खुद उसमें गिर जाते हैं। तो ये जो आखिरी गड़ा इन्होंने इमरान रियाज खान वाला खोदा है, अब भी वक्त है। अकल के नाखून लो, मैं अगर पाकिस्तान में होता, आई विश मैं आज पाकिस्तान में होता, मैं अपने भाई बंधों के साथ खड़ा होता, मैं प्रेस क्लब के सामने भी मुजाहरा करता, मैं जहां मुमकिन है मैं एक मुजाहरा करता अपने साफी भाई के लिए, एक मुजाहरा करता अपने सगे भाई के लिए, क्योंकि इमरान रियाज खान को आप जानते नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाता कि इमरान रियाज खान को तुम एक आम सा आदमी समझ रहे हो, उसको तुम जितना तंग करोगे वो उतना लोहे से भी ज्यादा टाइटेनियम में कन्वर्ट कर रहे हो। मुझे याद आ रहा है रेम्बो फिल्म का एक सीन जिसमें रेम्बो को बजाहिर छुड़वाने एक बड़ा अफसर आता है, तो जेल हुकाम कहते हैं कि तुम रेम्बो को हमसे बचाने आए हो, तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें रेम्बो से बचाने आया हूं। आप यकीन कीजिए, आप इमरान खान को एक बहुत तगड़ा सक्सेसर दे चुके हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं था।